हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीस मेनू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, बनाना वॉलनट केक। केले तो हम लोग के घर में अक्सर मिल ही जाते हैं, तो चलिए आज केले से ही एक केक बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़े लोगों को सबको पसंद आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से अपना बनाना वॉलनट केक बनाना शुरू करते हैं। तो बनाना वॉलनट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जिनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं। यहाँ पर 2 kg का केक बना रही हूँ, तो ये 2 कप मैदा है ऑल पर्पज़ फ्लावर। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर अमूल का बटर लिया हुआ है 100 ग्राम। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये सॉल्टेड बटर है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सॉल्ट कुछ नहीं डालूँगी केक में। 1 teaspoon भर के मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ किया है, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। 1/4 cup यहाँ पर हम वॉलनट लेंगे, जिसे हम लोग अखरोट बोलते हैं। 2 अंडे लेंगे, वो भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर। और जो मेन इंग्रेडिएंट है ना हमारे इस केक का, वो है केले। तो यहाँ पर मैंने 3 केले लिए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें केक बनाने से पहले अपना जो बेकिंग ट्रे होता है ना, उसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसमें मैं ऑयल अच्छी तरीके से ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ पर आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अभी ऑयल ले रही हूँ। कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा। अगर आप बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं तो बस, तो ये जो ग्रीसिंग ट्रे है ना, उसके ऊपर आप बटर पेपर रख दिएगा, तो आपका केक नीचे से चिपकेगा नहीं और बहुत आराम से डिमोल्ड हो जाएगा। बट अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, इस ग्रीस ट्रे के ऊपर हल्का सा मैदा छिड़क दिएगा, जैसे मैं अभी छिड़कने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे स्पंज केक की और क्रिसमस प्लम केक की रेसिपी डाली थी, जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा, बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको वो रेसिपी बना के। तो देखिए, यहाँ पर हमारी बेकिंग ट्रे रेडी हो गई है, तो वहाँ पर मैंने ट्रे को रेडी कर लिया। तो चलिए अब अपना केक का जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसे देख लेते। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सॉल्टेड बटर लिया है, रूम टेम्परेचर है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 3/4 cup ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, कोई मसला नहीं है, नॉर्मल शुगर लीजिए, वो भी 3/4 cup। अब आपको इसे मिलाना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रही हूँ, इसे मिक्सी का जो ब्लेंडर होता है ना, बड़ा वाला जार, उसमें डाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बड़ा वाला जार ले लिया है अपने मिक्सी का, और उसमें ये सारा जो मैंने बटर और ब्राउन शुगर डाला है ना, वो इसमें डाल दूंगी। ब्राउन शुगर से ना एक अच्छा सा कलर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। बट अगर आपके पास नहीं है तो मैं अभी भी कह रही हूँ, आप अपना नॉर्मल शुगर यूज़ करिए, 3/4 cup। डिपेंड करता है आपका जो केला है वो कितना मीठा है, उसी हिसाब से आप शुगर ऐड करिएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने सारा शुगर और बटर इसमें डाल दिया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर 2 अंडे भी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, 2 अंडे हैं और ये रूम टेम्परेचर के अंडे हैं। इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। अब आपको क्या करना है कि इन सबको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है, ताकि इवनली परफेक्टली ये सब एक दूसरे में मिल जाए। तो मैं इसको ब्लेंड करके रख लेती हूँ अब। तो चलिए, अब अपने केलों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें 3 केले लेने हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए, सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इन केलों को आप चाहें तो जो मैंने ब्लेंड किया है उसमें भी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर अभी इसे जस्ट स्पून की हेल्प से, या फिर आप इसको विस्क की हेल्प से हल्का सा बस आप मैश कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी 3 केले डाल दिए हैं। मैंने सेम बोल यूज़ किया है, आप चाहें तो डिफरेंट बोल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसे मैश कर लेना है। मैश करने से क्या होता है ना, हल्के हल्के से चंक्स रहते हैं इसके, और अगर आप इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही प्यूरी बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसको ऐसे बस हल्का सा आपको दबाना है और ये अपना आप ही मैश होने लग जाएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। मैं यहाँ पर विस्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने फोक से, स्पून से, किसी भी चीज़ से आप इसको मैश कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे केले हैं बढ़िया तरीके से मैश हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर जो ब्लेंड करके रखा हुआ मिक्सचर था ना हमारे बटर का, शुगर का और अंडों का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादातर मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाने चाहिए, बस उतना काफ़ी है। इसको साइड कर देते हैं और अब हम लोग अपना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 cup मैदा है, इसे मैं छान रही हूँ। इसे तकरीबन आपको कम से कम 2 बार छानिएगा,
छानना इसलिए ज़रूरी है, एक तो इसमें से लम्स ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा जो हमारा केक है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के आता है। इसमें मैंने एक टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। इस रेसिपी में मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इन सब को अच्छी तरीके से दो बार छान लिएगा। तो यहाँ पर सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर लिया हुआ है। तो इसको अच्छी तरीके से छान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे दोनों इंग्रेडिएंट्स, वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा मैदा लेकर हमें यहाँ पर डालना है वेट इंग्रेडिएंट्स में। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब मैं यहाँ पर एक टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वनीला एसेंस। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आधा टीस्पून या 3/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बट आज मैं यहाँ पर सिर्फ वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में आपको इसे घुमाना है जैसे मैं घुमा रही हूँ। ध्यान रखिएगा केक का बैटर जब भी आप मिक्स करते हैं कभी भी आपको इधर उधर करके नहीं घुमाना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाइए और कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करिए। तो यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर सारा बैटर बना लेती हूँ, सारा मैदा थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा सारा डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थिक हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं 1/4 कप रूम टेम्परेचर दूध डाल रही हूँ। दूध डालिए और इसको अच्छी तरीके से मिलाइए। पानी भी डाल सकते हैं बट यहाँ पर मैं अभी पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, दूध का यूज़ कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर दूध है ये। अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके मिलाइए और आप देखिएगा इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1/4 कप या फिर 1/2 कप तक ही दूध लगेगा, इससे ज़्यादा दूध नहीं लगेगा। तो स्टार्टिंग में आप 1/4 कप ही डालिएगा अगर आपका बैटर गाढ़ा है तो। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी 1/4 कप दूध डाला है और मैं इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स कर रही हूँ ताकि दूध अच्छी तरीके से हमारे बैटर में इवनली मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अभी विस्क हटा दिया है और स्पैचुला की मदद से यहाँ पर मैं कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करके देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना केक का बैटर ऐसे रेडी कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा, घुमाइए और बीच में से एक कट कर दिए। उससे क्या होता है ना कि इसमें अगर कोई एयर बबल वगैरह है तो वो थोड़ा रिलीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1/4 कप वॉलनट डाला है, अखरोट डाला है, 1/4 कप काफ़ी है। उसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़े से चॉको चिप्स डाल रही हूँ। इसका मेजरमेंट मैं करेक्ट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये आपके ऊपर, अगर आपको ज़्यादा चॉको चिप्स पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास चॉको चिप्स नहीं है तो बेशक आप यहाँ पर ये स्टेप स्किप कर दिएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा कम चॉको चिप्स डाला है, मेरे बच्चों को चॉको चिप्स ज़रा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है। मिक्स कर दिया है सारा इन्ग्रीडियंट्स बढ़िया तरीके से, देखिए सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको हमें अपने बेकिंग ट्रे में डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अब बेकिंग ट्रे ले आती हूँ। तो देखें यहाँ पर बेकिंग ट्रे जो है वो हमने स्टार्टिंग में ही इसे रेडी कर लिया था। सारा अपना जो केक कम बैटर है ना हम इस बेकिंग ट्रे में डाल देंगे, कुछ भी वेस्ट मत करिएगा, बोल में सब कुछ डाल दिएगा। अब आपको इसे स्प्रेड कर देना है कॉर्नर्स पे और इसे पैट करिएगा हल्के हल्के ताकि जितना भी एयर बबल है ना वो सब कुछ रिलीज़ हो जाए। इसे हमें बेक करना है, आज मैं इसे बेक कर रही हूँ अवन में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अवन को प्री हीट कर रखा था 10 मिनट के लिए, उसको मैं 180 डिग्री पे 50 मिनट्स के लिए बेक करूँगी क्योंकि ये बड़ा केक है इसलिए मैं यहाँ पर 50 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ। तो इसे अब मैं थोड़ा सा चॉको चिप्स डाला है, अच्छा लगता है डेकोरेटेड। तो यहाँ पर मैं इसको बेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अवन में रख दिया है, इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 50 मिनट्स के लिए। 50 मिनट्स के बाद आप इसमें एक टूथपिक डाल के चेक कर लिएगा, अगर वो क्लीन आ जाता है तो इसका मतलब हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर 50 मिनट्स हो गया है, अभी मैं इसको डीमोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। 15 मिनट के बाद जब भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा ना तब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गया है, अब मैं इसे इस ट्रे से निकाल रही हूँ। इस केक को सावधानी से निकालना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितना क्लीन, आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा वॉलनट बनाना केक बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको यहाँ पर ट्रे भी दिखा देती हूँ कि ट्रे भी बिल्कुल क्लीन आया है, कुछ जला नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये डीमोल्ड होकर आ गया है। जब भी आप केक बेक करें एक बात का ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म केक को आप कभी भी डीमोल्ड मत करिएगा, आपका केक टूट जाएगा। हमेशा केक को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए 10-15 मिनट के, उसके बाद ही उसे आराम से डीमोल्ड करिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पीस ऐसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा अंदर से सॉफ्ट और परफेक्टली कुक्ड है। आप अंदर देख लीजिएगा इसके अंदर कितने अच्छे नट्स बनकर आए हैं।
तो यहाँ पर मैं एक पीस ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए वाओ कितना बढ़िया लग रहा है, आप देखिए परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत भी नहीं है। बढ़िया सा हमने यहाँ पर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ वॉलनट बनाना केक बना के रेडी कर लिया है। अगर आपके पास ये चॉको चिप्स नहीं है ना तो बिल्कुल बेशक आप अवॉइड कर दीजिए इसे, आप सिर्फ अखरोट या वॉलनट डाल के ही बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी आई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपीज लेकर आऊँ। तो अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।